देश की पहली पॉड कार आ रही है। किराए से लेकर रूट तक की सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देश की पहली पॉड टैक्सी नोएडा में चलेगी। प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गई है। लोकेशन होगी जेवर एयरपोर्ट से प्रस्तावित नई फिल्म सिटी के बीच। 14 किलोमीटर से ज्यादा इस कॉरिडोर की लागत करीब 641 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की खास बातों को हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पॉड टैक्सी होती क्या है। पॉड टैक्सी या पॉड कार को औपचारिक रूप से पर्सनल रैपिड ट्रांजिट कहा जाता है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक तरीका होता है। दुनिया में बहुत कम देशों में इस तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। इसके तहत छोटी कार जैसा वाहन होता है। ये कारें ऑटोमेटिक या गाइडेड ट्रैक पर चलती हैं, माने इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। इसके ट्रैक रेलवे के ट्रैक या फिर केबल नेटवर्क की तरह होते हैं। यीडा के CEO अरुण वीर सिंह ने कहा कि कॉरिडोर के लिए जमीनें तय कर ली गई हैं और दुनिया की सिर्फ 5 या 6 कंपनियां ही हैं जिनके पास पॉड टैक्सी सिस्टम डेवलप करने की विशेषज्ञता है। और अब तक इन सभी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट से नई प्रस्तावित फिल्म सिटी के बीच कुल लंबाई 5.5 किलोमीटर है। अरुणवीर सिंह ने कहा कि पॉड टैक्सी की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यीडा के सेक्टर में भी इसका ट्रैक ले जाने का सुझाव रिपोर्ट में रखा गया है। पॉड टैक्सी यीडा के सेक्टर 21, 28, 29, 32 और 33 होते हुए 14.6 किलोमीटर के कॉरिडोर में चलेगी। DPR के मुताबिक कॉरिडोर में ये पॉड टैक्सी रेल ट्रैक पर चलेगी। पहले चरण में एक पॉड टैक्सी चलाने की योजना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पॉड टैक्सी एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 20 मिनट में दूरी तय करेगी। इसमें एक बार में 4 से 6 लोग बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। इसका किराया मात्र 10 रुपए प्रति किलोमीटर रखा गया है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक रोजाना 37,000 मुसाफिर इसमें सफर कर सकेंगे। दुनिया में अब तक सबसे लंबी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सर्विस यानी PRT सर्विस अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में इसका ट्रैक 13.2 किलोमीटर लंबा है और ये साल 1975 में सेवा में आई। जबकि इस वक्त दुनिया में दूसरा सबसे लंबा PRT कॉरिडोर चीन में है। ये 9.7 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 4.6 किलोमीटर, लंदन में 3.9 किलोमीटर और UAE में 1.4 किलोमीटर लंबा PRT कॉरिडोर है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।